Assalamu alaikum beta. Welcome to the live lecture series of the BCI. तो बेटा हम इकोलॉजी को पढ़ रहे हैं और इकोलॉजी को बेटा हम कंटिन्यू करेंगे और लास्ट टॉपिक जो हमारा बेटा था उसमें हमने इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में बेटा सीखा और इकोलॉजिकल हायरार्की में हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म जो है बेटा ये इकोलॉजिकल हायरार्की का एक बेसिक यूनिट है और उसके बाद फिर हमने बेटा इकोलॉजिकल हायरार्की को देखा कि एक इकोलॉजिकल हायरार्की बेटा क्या होती है। फिर मैंने कहा था आपसे बेटा कि इसमें हमें एक एक चीज़ को पढ़ना है, इसमें हमें पॉपुलेशन को पढ़ना है, इसमें हमें कम्युनिटी को पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो एक एक चीज हम इसमें बाहर निकालेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की में और उसको बेटा स्टडी करेंगे। ये जो पहला यूनिट है इकोलॉजी में दैट इज ऑर्गेनिज्म्स एंड द पॉपुलेशन बेटा, इसका दूसरा पार्ट जो है दैट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसको बेटा आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी बेटा हम देखेंगे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी बेटा हम किसको कहते हैं, लेकिन इसके लिए पहले बेटा हमें पॉपुलेशन को समझना है, व्हाट इज अ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन को बेटा मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया कि पॉपुलेशन बेटा हम किसको कहते हैं, लेकिन फिर से देखेंगे बेटा कि पॉपुलेशन में हमने क्या क्या कहा था। हमने बेटा कहा था कि अगर हमें पॉपुलेशन को बेटा डिफाइन करना है तो हमने कहा था बेटा इट इज एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ए ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग बेटा एक स्पीशीज है, ह्यूमन बींग एक स्पीशीज है, तो आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज बेटा, जिनमें या जो पोटेंशियली बेटा इंटरब्रीड कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझना, जो पोटेंशियली बेटा इंटरब्रीड कर रहे हैं यानी कि जो एक दूसरे के साथ बेटा इंटरब्रीड करेंगे और जो बेटा कंपीट करेंगे फॉर द सेम रिसोर्स, कंपीट फॉर सेम रिसोर्स, एक ही रिसोर्स के लिए बेटा वो कंपीट करेंगे, कंपीट फॉर द सेम रिसोर्स, एक रिसोर्स के लिए बेटा कंपीट करेंगे। और बेटा पॉइंट्स को समझना बेटा, मैं एक एक करके पॉइंट्स लिख रहा हूं। इट इज ए ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज जो पोटेंशियली बेटा एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेंगे, जो कंपीट करते हैं फॉर द सेम रिसोर्स, और जो बेटा एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में बेटा पाए जाते हैं, ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में बेटा पाए जाते हैं एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब इन पॉइंट्स को बेटा हम एक एक करके बेटा समझेंगे। तो समझेंगे बेटा कि अगर हम पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है, लेकिन जो बिलोंग कर रहे हैं एक सेम स्पीशीज से, जो पोटेंशियली बेटा एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेंगे, इतना ही नहीं वो बेटा कंपीट भी करेंगे एक सेम रिसोर्स के लिए और एक ज्योग्राफिकल एरिया में बेटा प्रेजेंट होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम में बेटा प्रेजेंट होंगे, इसको हम बेटा कहते हैं दैट इट इज अ पॉपुलेशन, इट इज अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम बात करेंगे बेटा, मैं बात यहां पे कर रहा हूं ह्यूमन बींग्स की, अगर ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं मैं तो ये एक ही स्पीशीज है बेटा, तो ये एक दूसरे के साथ ही बेटा इंटरब्रीड करेंगे, किसी और के साथ है बेटा इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे भी तो वहां पे बेटा ऑफ स्प्रिंग या तो इनफर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बेटा प्रेजेंट होगा या मिलेगा या वहां पे इनफर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बेटा निकलेगा, लेकिन यहां पे हम कहेंगे एक पर्टिकुलर स्पीशीज ह्यूमन बींग्स जो एक दूसरे के साथ बेटा इंटरब्रीड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं बेटा कंपीट कर रहे हैं फॉर द सेम रिसोर्स। आप देखें बेटा अगर ह्यूमन बींग्स यहां पे है तो उनका रिसोर्स भी बेटा सेम होगा, खाने का रिसोर्स सेम होगा, पहनने का रिसोर्स सेम होगा, उनकी जरूरियात बेटा सेम होगी, तो जो कंपीट करेंगे फॉर द सेम रिसोर्स उसके साथ जो एक ज्योग्राफिकल पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इन कश्मीर, तो जब मैं कश्मीर यहां पे लिख रहा हूं तो बेटा ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की बात में कर रहा हूं। मैं तो ये भी कह सकता हूं पॉपुलेशन, मैं ऐसे भी कह सकता हूं ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है, तो इंडिया यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, या तो मैं फिर कह सकता हूं बेटा पूरी दुनिया में पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स की कितनी है, तो उस वक्त भी मैं एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कहना है
ड्यूरिंग विच पीरियड, किस साल में आप कह रहे हो? 2020 में बेटा कह रहे हो, 2019 में बेटा कह रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं 2020 में ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन कश्मीर में कितनी थी, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बेटा पूरी दुनिया में कितनी थी और इंडिया में बेटा कितनी थी? तो मैंने एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया लिया, एक पर्टिकुलर टाइम लिया और इस तरह से मैंने एक पॉपुलेशन को बेटा डिफाइन किया। तो आप दूसरी स्पीशीज भी बेटा ले सकते हो। द पॉपुलेशन ऑफ द डॉग्स, पॉपुलेशन ऑफ द डॉग्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में बेटा पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स कितनी है, फॉर एग्जांपल कश्मीर डिवीजन में कितनी है, फॉर एग्जांपल इंडिया में टोटल कितनी है, वर्ल्ड में कितनी है, ठीक है बेटा? तो इस तरह से हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। अब ये जो पॉपुलेशन है बेटा, एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स बेटा दी है, एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दी है, हमें एनसीईआरटी की कोई भी लाइन बेटा नहीं छोड़नी है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बेटा हमें देखना है। तो एनसीईआरटी की लाइन को बेटा देखेंगे, समझना बात को बेटा। एनसीईआरटी कह रही है बेटा, एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दी है, इसने कहा है रैट इन एबेंडोन्ड, रैट इन एबेंडोन्ड एरिया, रैट इन एबेंडोन्ड एरिया, समझना मेरी बात, इसका मतलब क्या है? एबेंडोन्ड एरिया हम उस एरिया को कहते हैं यानी कि जहां पे अब कोई, मतलब आप मान लीजिए कोई घर है, यहां पे कोई मकान है, अब इस मकान में कोई नहीं रह रहा है, ये एबेंडोन्ड है, ठीक है? अब इस घर में कितने चूहे पैदा हो गए हैं, कितने चूहों की पॉपुलेशन बेटा इंक्रीज हो गई है, तो एनसीईआरटी आपको कह रही है कि आप बेटा इस एबेंडोन्ड एरिया में देख सकते हो कि यहां पे रैट्स कितने बेटा पाए जाते हैं। इसी तरह इसने कहा है टीक वुड, अगर टीक वुड को बेटा आप देखोगे किसी फॉरेस्ट एरिया में, वहां पे जाओगे बेटा और वहां पे आप टीक वुड के इंडिविजुअल्स को बेटा काउंट करोगे, तो इस तरह से हम कहेंगे हम टीक वुड की पॉपुलेशन बेटा देख रहे हैं। इसी तरह हम कह रहे हैं बेटा अगर कोई बैक्टीरिया है बेटा किसी कल्चर मीडियम में, बैक्टीरिया है किसी कल्चर मीडियम में बेटा, बैक्टीरिया है तो आप उनको गिन सकते हो, आप उनको देख सकते हो कि कितने बैक्टीरिया है, तो आपको पॉपुलेशन मिलेगी वहां पे इसकी। तो इसी तरह से बेटा एनसीईआरटी ने ये कुछ एग्जांपल्स यहां पे दी है जिसमें उन्होंने कहा कि इन इन मतलब इन ऑर्गेनिजम्स की अगर हम देखेंगे तो इनकी काउंटिंग अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे कि हम इनकी पॉपुलेशन बेटा देख सकते हैं। रैट इन एबेंडोन्ड एरिया, टीकवुड इन अ फॉरेस्ट एरिया और बैक्टीरियल कल्चर मीडियम में बेटा कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ये यहां तक बेटा पॉपुलेशन के बारे में हमने बात की। लेकिन अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इस पॉइंट को बेटा समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है बेटा? अगर हम बेटा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, पॉइंट को समझना, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं या एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या मैं कह रहा हूं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, मैं एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं, अगर एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की बेटा बात करेंगे या इसको बेटा देखेंगे, उस वक्त हम इसको नाम देते हैं दैट इट इज द फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसको बेटा मैं समझाऊंगा, इट इज द फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अगर एक इंडिविजुअल की बेटा बात करेंगे तो उस वक्त हम कहेंगे ये एक फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। लेकिन बेटा हम पॉपुलेशन की भी बात कर सकते हैं, जिस वक्त हम पॉपुलेशन की भी बात कर सकते हैं और उस वक्त हम इसको नाम देते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। इन दो पॉइंट्स को बेटा समझेंगे। अब बेटा बात को समझना, अगर मान लीजिए बेटा एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कोई चेंज आ रही है एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है बेटा उसमें कोई चेंज आ रही है, फॉर एग्जाम्पल बेटा चेंज आ रही है टेम्परेचर में, किसमें चेंज आ रही है, टेम्परेचर में। अगर टेम्परेचर में बेटा चेंज होगी तो जितने भी इंडिविजुअल्स वहां पे होंगे बेटा वो इस चेंज के हिसाब से, जो टेम्परेचर में चेंज आएगी बेटा उसके हिसाब से वो बेटा अपने फिजियोलॉजी में चेंज लाएंगे ताकि वो इस अपने टेम्परेचर को बेटा एडजस्ट कर सके। इन अदर वर्ड्स में ये ऐसे कहूंगा कि अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स में चेंजेस आ रही है बेटा तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म भी खुद में बेटा चेंज दिखा रहा है, तो हम कहेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बेटा देखेंगे तो उस वक्त हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी की बात करेंगे। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन लेवल पे देखेंगे उस वक्त हम पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब इसी को मैं बेटा एक एग्जाम्पल के थ्रू बेटा आपको समझाऊंगा। अब मान लीजिए बेटा
पूरी दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में इस वक्त बेटा चल रहा है कोरोना। मान लीजिए बेटा हम अपने कश्मीर की ही बात करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे, ठीक है बेटा। और यहां पे हमारे पास बहुत सारे ह्यूमन बींग्स बेटा प्रेजेंट है, ये हम मान के चल रहे हैं यहां पे बेटा कि हमारे पास यहां पे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स है, ठीक है बेटा। अब एक्सटर्नल एनवायरमेंट बेटे चेंजेस आ गए। अब चेंजेस क्या आ गई बेटा, चेंज आ गई कि कोरोना हो रहा है। अब समझना मेरी बात, अब क्या हो रहा है, कोरोना हो रहा है। अब जब एक कोरोना होगा बेटा तो यहां पे हर एक इंडिविजुअल जो होगा, हर एक इंडिविजुअल जो होगा, आप मैं वो दूसरा कोई और, हर एक इंडिविजुअल जो होगा बेटा, वो अपने फिजियोलॉजी में बेटा चेंजेस लाने की कोशिश करेगा। बात को समझना, बात को समझना बेटा। कोरोना हो रहा है, ठीक है, सबको डिजीज हो रही है, सबको ये हो रहा है, ठीक है। तो अब हर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल इससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल की, तो हर एक इंडिविजुअल इसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है बेटा। जो इंडिविजुअल्स बेटा अपने आप में चेंजेस लाएंगे, अब इसको चेंजेस क्या लानी है बेटा, जिसकी इम्यूनिटी फॉर एग्जाम्पल स्ट्रांग होगी। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए को यहां पे कोरोना हो गया, लेकिन इसने इसके खिलाफ लड़ा बेटा, ये इसके खिलाफ लड़ रहा है, ये अपनी इम्यूनिटी को बेटा इंक्रीज कर रहा है, तो ये अपनी फिजियोलॉजी में बेटा चेंज ला रहा है। तो जब ये अपनी फिजियोलॉजी में चेंज ला रहा है तो हम कहेंगे कि हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी यहां पर देख रहे हैं। क्या हर एक इंडिविजुअल को इसके खिलाफ बेटा लड़ना है, इसको अपने आप में चेंज लानी है, और चेंज क्या लाएगा, ये अपनी इम्यूनिटी को बेटा इंक्रीज करेगा। लेकिन बात को समझना, अपनी इम्यूनिटी को बेटा इंक्रीज करेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि हर एक कोरोना से नहीं बचता है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, समझना मेरी बात, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग बेटा रिकवर होके वापस आ रहे हैं, वो लड़ते हैं इसके साथ, अपनी इम्यूनिटी को बेटा इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैं यहां पे कह सकता हूं जो इंडिविजुअल्स इसके साथ बेटा लड़ेंगे, अपने आप में बेटा चेंज लाएंगे, वो इंडिविजुअल्स बेटा सर्वाइव होंगे। तो इस वक्त हम कह रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे। अब जो बेटा इसके साथ मतलब अपने आप को वो चेंजेस नहीं ला पाएंगे, अपने आप में वो इम्यूनिटी बेटा डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी हो जाएगी बेटा डेथ यहां पर। तो हम कहेंगे, अब समझना मेरी बात, अब यहां पे नेचुरल सिलेक्शन आएगा। पॉइंट को समझना, मैंने कहां से कहां पे पॉइंट को जोड़ दिया बेटा। अब यहां पे नेचुरल सिलेक्शन का पॉइंट आ रहा है, यहां पे बेटा पॉइंट आ रहा है। अगर आपको अपने आप में चेंज लानी है तो आपको अपने ट्रीट्स में बेटा चेंज लानी है, तो अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपनी इम्यूनिटी बेटा बढ़ानी है, आपको फाइट करना है अगेंस्ट कोरोना, तो आपको अपने ट्रीट्स को बेटा चेंज करना होगा। समझ रहे मेरी बात, और कंसेप्ट आ रहा है नेचुरल सिलेक्शन का, यानी कि यहां पे वही इंडिविजुअल्स बेटा सर्वाइव करेंगे बेटा, जो अपने आप में चेंज लाएंगे, जो अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे बेटा वो यहां पे सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये हम कह रहे हैं एट इंडिविजुअल लेवल, समझ रहे मेरी बात। लेकिन आप मुझे बेटा बताइए, अगर मैंने इंडिविजुअल लेवल पे बात की, चलो हर कोई यहां पे फाइट करेगा, जो चेंज लाएगा वो बेटा सर्वाइव करेगा, जो चेंज नहीं लाएगा उसकी बेटा डेथ होगी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं 2-3 महीने के बाद कहूंगा बेटा, तो मैं उस वक्त इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा। अब मान लीजिए जब कोरोना हट गया, कोरोना 2-3 महीने के बाद खत्म हो गया, अब मैं इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा, अब मैं कहूंगा ये जो पॉपुलेशन, अब मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, ये जो पॉपुलेशन यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स इस कश्मीर डिवीजन में थे बेटा, ये जो पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन में बेटा जिन्होंने सर्वाइव किया बेटा वही तो आगे बढ़ेंगे ना बेटा, जिन्होंने सर्वाइव नहीं किया वो बेटा आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन मैं अब बात करूंगा टोटल पॉपुलेशन की, कि पॉपुलेशन में बेटा क्या हुआ, क्या ये कोरोना की वजह से डिक्रीज होगी, क्या ये कोरोना की वजह से इंक्रीज होगी, ठीक है, तो वो बात हम फिर करेंगे पॉपुलेशन की। लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, एक इंडिविजुअल लेवल पे बेटा हम देख रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को बेटा लड़ना होता है। समझ रहे मेरी बात, तो यहां पे थोड़ी मतलब डिफरेंस है। इंडिविजुअल लेवल पे बेटा आप एक चीज देख सकते हो, लेकिन फिर पॉपुलेशन लेवल पे बेटा आप दूसरी चीज देख सकते हो। तो ये यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसलिए हम
पॉपुलेशन इकोलॉजी को बेटा दो चीजों के साथ लिंक करते हैं, दो चीजों के साथ बेटा लिंक करते हैं। एक तो हम लिंक करते हैं पॉपुलेशन को बेटा जेनेटिक्स के साथ, जेनेटिक्स के साथ बेटा लिंक करते हैं हमेशा। और दूसरी बात, हम पॉपुलेशन को बेटा लिंक करते हैं एवोल्यूशन के साथ। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में बेटा जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के साथ हम इन दोनों को बेटा लिंक करते हैं। अब बेटा थोड़ा आगे जाएंगे। अब ये इंडिविजुअल और जो पॉपुलेशंस है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं और दूसरी तरफ से पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों बेटा आपस में डिफर कर रहे हैं, यानी कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा थोड़ा डिफरेंट है। तो हम देखेंगे बेटा इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में बेटा आपस में करेक्टर्स जो है वो बेटा वैरी कर रहे हैं, वो बेटा डिफर कर रहे हैं। अब पॉइंट्स को बेटा समझना, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यहां पे मैं बेटा लिख रहा हूं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है इनमें करेक्टर्स बेटा वैरी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर एक इंडिविजुअल की बात मैं करूंगा, एक इंडिविजुअल की बात करूंगा बेटा, फॉर एग्जांपल यहां पे फिर से हम एग्जांपल लेंगे, हमारे पास ह्यूमन बीइंग की एक पॉपुलेशन है यहां पे, तो यहां पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा बेटा, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इसमें मेल भी हो सकता है, इसमें बेटा फीमेल भी हो सकता है। तो अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे ना बेटा, कॉमन सेंस है, तो मैं कह सकता हूं अगर ह्यूमन बींग्स की बात, अरे ये मेल है ये फीमेल है, उसमें मेल भी हो सकते हैं उसमें फीमेल भी हो सकते हैं। तो जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि इंडिविजुअल जो होता है बेटा इसमें मेल हो सकता है, इसमें बेटा हमारे पास फीमेल हो सकता है। तो यहां पे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ये मेल भी हो सकता है बेटा, ये फीमेल भी हो सकता है। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो उस वक्त हम मेल और फीमेल की बात नहीं करते हैं, उस वक्त बेटा हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेक्स रेशो। उस वक्त बेटा हम सेक्स रेशो की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 933 फीमेल्स बेटा प्रेजेंट है पर 1000 मेल्स इन इंडिया, पर 1000 मेल्स इन इंडिया। तो इस वक्त हमने किसकी बात की, इस वक्त बेटा हमने बात की सेक्स रेशो की, 933 फीमेल्स और प्रेजेंट पर 1000 मेल्स इन द इंडिया। लेकिन यहां पे आप कहोगे ये मेल है या फीमेल है, लेकिन यहां पे आप सेक्स रेशो निकालोगे एक पर्टिकुलर एरिया में, कश्मीर ही ले लीजिए बेटा या पूरा इंडिया आप ले लीजिए, फिर आप कहोगे उस वक्त यार कितनी फीमेल्स प्रेजेंट है पर 1000 मेल्स में, तो उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए सेक्स रेशो। तो ये बेटा हम पॉपुलेशन से बेटा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं कि पॉपुलेशन में सेक्स रेशो होगा, वहां पे मेल या फीमेल हम नहीं कहते हैं, लेकिन यहां पे बेटा मेल और फीमेल की बात करते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट हम कह रहे हैं एक इंडिविजुअल की बेटा या तो बर्थ होगी, हम कहते हैं बर्थ होगी, या तो बेटा हम कहते हैं इसकी डेथ होगी, या तो बर्थ होगी बेटा या तो डेथ होगी, ठीक है, या तो जनेगा या तो मरेगा। तो हम कहेंगे एक इंडिविजुअल की बर्थ होगी या एक इंडिविजुअल की बेटा डेथ होगी। लेकिन जब हम पॉपुलेशन में देखेंगे तो उस वक्त हम कहते हैं पॉपुलेशन की बर्थ रेट होती है, क्या होती है बेटा पॉपुलेशन की बर्थ रेट होती है, या तो हम कहते हैं ये जो पॉपुलेशन है इसकी बेटा एक डेथ रेट होती है। तो ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे बर्थ रेट हम किसको कहेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा डेथ रेट किसको कहेंगे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। एक इंडिविजुअल जो है वो मेल हो सकते हैं फीमेल हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन में अगर देखेंगे तो वहां पे हम सेक्स रेशो दिखाते हैं। इसी तरह एक इंडिविजुअल की बर्थ या डेथ हो सकती है, जनेगा या तो मरेगा, लेकिन एक पॉपुलेशन में आप ऐसा नहीं कह सकते हो, आप कह सकते हो बर्थ रेट क्या है डेथ रेट क्या है, ठीक है। या आज हम कह रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से बर्थ रेट क्या है, सॉरी कोरोना वायरस की वजह से हम कह रहे हैं कि डेथ रेट क्या है, तो उस वक्त हम टोटल पॉपुलेशन में बेटा देख रहे हैं टोटल पॉपुलेशन में कितनी डेथ रेट है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा, अगर पूरी दुनिया में देखा जाएगा तो इंडिया में सबसे ज्यादा कम, सबसे डेथ रेट जो है वो कम है बेटा, अगर पर थाउजेंड्स में से देखेंगे बेटा, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसकी पॉपुलेशन बेटा करोड़ों में है, तो उनमें अगर हम देखेंगे कि डेथ रेट कितनी होती है तो उस वक्त हम कह रहे हैं बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन पहले हम बेटा इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि बर्थ रेट हम किसको कहेंगे बेटा और डेथ रेट हम बेटा किसको कहेंगे। तो पहले देखेंगे बेटा बर्थ रेट, बर्थ रेट
पॉइंट्स को समझना। पहले हम बेटा देखेंगे बर्थ रेट, पहले बर्थ रेट को बेटा हम डिफाइन करेंगे और देखेंगे बर्थ रेट बेटा हम किसको कहते हैं। तो बर्थ रेट हम बेटा सिंपली कहते दैट इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स, इट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स, यानी कि कितने लोग बेटा जन्म रहे हैं। नंबर ऑफ बर्थ्स पर कैपिटा, याद रखिए नंबर ऑफ बर्थ्स पर कैपिटा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसको बेटा हमें समझना है। पर यूनिट टाइम इसका मतलब क्या है, कितने इंडिविजुअल्स की बेटा बर्थ हो रही है पर कैपिटा, पर कैपिटा यहां पे समझना है बेटा। कैपिटा जो है बेटा ये एक्चुअली डिराइव हुआ एक वर्ड से जिसको हम नाम देते हैं कैंप्यूट, और कैंप्यूट का मतलब है बेटा हेड। इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे बेटा जो कैपिटा है इसका मतलब है बेटा पर हेड, पर हेड कितने इंडिविजुअल्स बेटा जन्म रहे हैं, जन्म ले रहे हैं लेकिन पर हेड में। फिर हम डाल रहे हैं पर यूनिट, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब है एक आवर में, एक वीक में, या तो बेटा बताओगे एक साल में, या तो बताओगे बेटा 10 साल में, या तो बेटा बताओगे 100 साल में। तो इसको बेटा हम नाम देते हैं बर्थ रेट। फिर से समझना, नंबर ऑफ बर्थ्स कितने इंडिविजुअल्स बेटा जन रहे हैं, पर हेड से जो पॉपुलेशन उस वक्त होगी हर एक हेड से बेटा, पर हेड हम कह रहे हैं, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम हमें बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर यूनिट टाइम। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दी है बेटा, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी क्या कह रही है बेटा, एक पॉन्ड है बेटा और इस पॉन्ड में बेटा लोटस के प्लांट्स हैं, लोटस के प्लांट्स। अब इस पॉन्ड में बेटा लोटस के प्लांट्स जो है उनका नंबर है 20, और अब मान लीजिए इन द ईयर 2019 में बेटा इनका नंबर है 20। आफ्टर वन ईयर, आफ्टर वन ईयर में यहां पे कहूंगा आफ्टर वन ईयर, एक साल के बाद आफ्टर वन ईयर बेटा होता क्या है, यहां पे लोटस का जो नंबर है That becomes 28. That becomes 28. तो 2020 में बेटा इनकी पॉपुलेशन जो है टोटल जो है दैट इज 28. तो एक साल में बेटा यहां पे टोटल इंडिविजुअल्स कितने ऐड हो गए, एक साल में यहां पे टोटल इंडिविजुअल्स बेटा 8 जो है वो ऐड हो गए हैं। अब अगर हमें बर्थ रेट को बेटा निकालना है तो मुझे पर हेड में देखना है, पर हेड नंबर ऑफ बर्थ पर हेड पर यूनिट टाइम, एक साल में 8 आ गए लेकिन हमें देखना है पर हेड में, पर हेड में देखना है। ऐसे में पहले एक एग्जांपल देता हूं बेटा। अब मान लीजिए कि मेरी एक फैमिली है और मेरी फैमिली में बेटा 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन माय फैमिली, और मैं एक लौता चिराग हूं बेटा वहां पे जो एक गवर्नमेंट मुलाजमत कर रहा है, नौकरी कर रहा है बेटा, और मेरी पे है बेटा दैट इज 10,000, दैट इज 10,000। अब जो गवर्नमेंट सेंसस करती है या जब वो देखते हैं कि पर फैमिली में कितनी इनकम है, इस फैमिली में कमाने वाला बेटा मैं एक ही हूं और मेरे पास 10,000 जो है वो इनकम है एक महीने की, तो अगर मैं पर हेड निकालूंगा बेटा कि मेरी फैमिली मेंबर्स में जितनी भी फैमिली मेरे पास है 5 मेंबर्स है, पर हेड मुझे कितना मिल रहा है, तो पर हेड मैं कहूंगा ना बेटा कि पर हेड मुझे 2,000 रुपए मिल रहे हैं। तो पर हेड निकाल रहा हूं मैं यहां पे, उसी तरह बेटा मुझे यहां पर हेड निकालना है। तो मैं कहूंगा बेटा कि नंबर ऑफ बर्थ्स कितने जन रहे हैं पर कैपिटा, पर हेड मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे, पर हेड कितने जन रहे हैं, नंबर ऑफ बर्थ्स टोटल है बेटा 8 और पर हेड यहां पे बेटा है 20। अब जो भी यहां पे निकलेगा बेटा, चाहे 0.4 निकलेगा या 0.2 निकलेगा बेटा, दैट विल बी द बर्थ रेट, वो यहां पे हम बर्थ रेट बेटा दिखाते हैं। तो इसको बेटा बर्थ रेट का नाम देते हैं हम। इसी तरह बेटा हम निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एज डेथ रेट, दैट इज कॉल्ड एज डेथ रेट। अगर डेथ रेट को बेटा देखेंगे तो हम कहेंगे डेथ रेट, तो डेथ रेट हम बेटा किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ डेथ्स पर कैपिटा मतलब पर हेड, नंबर ऑफ डेथ्स पर हेड पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम।
ठीक है बेटा, उसको हम कहेंगे डेथ रेट। अब इसके एक एग्जांपल लेंगे बेटा, एक एग्जांपल लेंगे, समझना मेरी बात। एक कल्चर है हमारे पास, कल्चर क्या है हमारे पास, उसमें बेटा फ्रूट फ्लाई है। क्या है बेटा? फ्रूट फ्लाई एक कल्चर में है बेटा, और इनका नंबर है 20। आफ्टर वन वीक, एक महीने के बाद, आफ्टर वन वीक बेटा, इनका जो इनमें जो डेथ हो रही है बेटा, इनमें जो डेथ हो रही है बेटा, फॉर एग्जांपल हम यहां पे लेंगे कि इनमें 8 इंडिविजुअल्स की बेटा डेथ हो रही है, ठीक है। आफ्टर वन वीक इनमें 8 इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, तो हमें निकालना है बेटा डेथ रेट। तो हम कहेंगे हमारे पास डेथ्स कितनी है बेटा, नंबर ऑफ डेथ्स है 8, और पर कैप्टा हमारे पास इंडिविजुअल्स कितने थे, कितने हेड्स थे हमारे पास, पर हेड हमें निकालना है, तो हम कहेंगे 20। तो फिर ये 0.4 या कुछ आएगा, इसको हम बेटा कहेंगे दैट इट इज द डेथ रेट ऑफ दिस पॉपुलेशन इन वन वीक। इससे पहले हम कहेंगे बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन वन ईयर या वन मंथ, एक मंथ या एक ईयर के बाद इसमें बर्थ रेट कितनी है। तो जब भी हम डेथ रेट और बर्थ रेट निकालते हैं बेटा, तो ये हम पर हेड से निकालते हैं और एक पर यूनिट टाइम बेटा देते हैं। अब समझना मेरी बात, जो बर्थ रेट है बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी। ये पॉइंट बेटा याद रखना, ये स्मॉल बी से डिनोट होता है, और जो डेथ रेट है बेटा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो स्मॉल बी से हम बर्थ रेट निकालते हैं और यहां पे निकालते हैं हम डेथ रेट, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा, उसकी बर्थ रेट या डेथ रेट बेटा निकालनी होगी, तो उस वक्त आप इजीली बर्थ और डेथ रेट को बेटा निकाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो हम